हिंदू संगठनों ने निकाली लव जिहाद की अर्थी। हरियाणा में हुई नेतिका तोमर की हत्या मामले में आज मुरादाबाद में राष्ट्रीय बजरंग दल और कई हिंदू संगठनों ने लव जिहाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए लव जिहाद की अर्थी निकालकर कलेक्ट्रेट के सामने उसका अंतिम संस्कार करते हुए आग के हवाले किया। हरियाणा के बल्लभगढ़ में दिन दहाड़े हुई निकिता तोमर की हत्या को लेकर समाज में गुस्सा व्याप्त है, क्योंकि उसके परिजनों ने इसे लव जिहाद बताते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया है और सरकारों से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सजाए मौत का फैसला जल्द से जल्द आए। इस घटना के बाद से देश भर में हिंदू संगठनों में उबाल है। उन्होंने देश में लव जिहाद कानून बनाने की मांग तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में भी कई हिंदू संगठनों ने एक साथ आकर मुरादाबाद की सड़कों पर निकलते हुए लव जिहाद की अर्थी निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता अपने कंधों पर अर्थी लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और वहां बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए लव जिहाद कानून बनाने की मांग केंद्र और प्रदेश की सरकारों से की है। इसके बाद इन कार्यकर्ताओं ने अर्थी का अंतिम संस्कार भी कलेक्ट्रेट के सामने ही किया। क्या नाम आपका? वंदना शर्मा। वंदना जी, आज जो अर्थी निकाल रही है, किसने निकाली? आज अर्थी हम लव जिहादियों के खिलाफ निकाल रहे हैं। हमारे समाज में हिंदू बहु बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से जो भड़काया जा रहा है, उनको बिखरा जा रहा है, उसके विरोध में आज ज्ञापन भी है और अर्थी भी निकालेंगे। मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को कलावा भी बांधेंगे, तिलक भी लगाएंगे, उनको इस तरह से भटका देते हैं। थोड़ा सा हमारी धर्म का ज्ञान लेकर बिल्कुल रास्ते से अलग करके हमारे ही देश में हमारे ही खिलाफ उनको तैयार कर रहे हैं। प्रांत अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद के द्वारा लव जिहादियों के विरोध में आज अम्बेडकर पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक अर्थी निकाली जा रही है और बहन निकिता को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और सारा देश आज ये कह रहा है, बहन निकिता हम शर्मिंदा हैं, कातिल तेरे अभी जिंदा हैं। सरकार लव जिहाद के विरोध में सख्त से सख्त कानून बनाए, धर्मांतरण पर सख्त से सख्त कानून बनाए कि धर्मांतरण नहीं हो, देश के अंदर लव जिहाद की घटना नहीं हो, और अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो उनके साथ कठोरतम जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो की जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना करते हुए भी चार बार सोचे।